दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप्स जो कि थे 25,000 से लेकर 60,000 की प्राइस कैटेगरी के साथ। इसमें हम देखेंगे ऐसे 5 लैपटॉप्स जो डिफरेंट प्राइस कैटेगरी के बेस्ट लैपटॉप्स हैं, जिनमें आपको वैल्यू फॉर मनी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, और उसी के साथ उनके अल्टरनेटिव लैपटॉप्स के बारे में भी जानेंगे। आपका जो बजट होगा उस हिसाब से आप अपना लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्राइस कैटेगरी के डेडिकेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप भी कोई लैपटॉप लेने की सोच रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी लैपटॉप्स के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा लैपटॉप किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं 25,000 में आने वाले बेस्ट लैपटॉप से, Asus VivoBook 15। दोस्तों ये Asus का बेस्ट सेलिंग मॉडल है। ये एक विंडोज लैपटॉप है जिसमें NVMe M.2 SSD मिल जाती है, जो इस प्राइस में बाकी लैपटॉप में देखने नहीं मिलती। ये होता है 15.6 इंचेस की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। इसमें आता है इंटेल सेलेरॉन N4020 ड्यूल कोर प्रोसेसर, जिसमें 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जिसमें 1.1 GHz की बेस्ट फ्रीक्वेंसी और 2.8 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और उसी के साथ इसमें इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, जो बेसिक काम करने में कैपेबल है। यह आता है 4GB DDR4 RAM के साथ, उसे आप 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और साथ ही इसमें 256GB की NVMe M.2 SSD मिल जाती है, और उसी के साथ इसमें 2.5 इंचेस का SATA स्लॉट मिलता है, उसमें भी आप SSD और HDD अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल मिल जाती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें 2-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह आता है 26,000 के प्राइस के साथ। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन कार्ड ऑफर के साथ 25,000 के अंदर मिल जाता है। इस प्राइस में इसमें आपको NVMe M.2 SSD मिलती है, और साथ ही विंडोज 11 लाइसेंस वर्जन के साथ प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जो इस प्राइस में ज्यादातर लैपटॉप्स में देखने नहीं मिलती। इसमें आपके सारे बेसिक काम आसानी से हो जाते हैं, तो अंडर 25,000 ये एक बेस्ट लैपटॉप है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अल्टरनेटिव की, तो सेम प्राइस में Acer Aspire 3 आता है। इसमें आपको AMD 3020 प्रोसेसर मिलता है, जो 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें 1.1 GHz की बेस्ट फ्रीक्वेंसी और 2.6 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और AMD Vega 3 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है, साथ ही इसमें आपको बाकी फीचर्स Asus VivoBook 15 के जैसे ही मिल जाते हैं। इसकी प्राइस भी 25,000 के आसपास मिलती है, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं 30,000 में आने वाले बेस्ट लैपटॉप की तरफ, Acer Extensa 15। दोस्तों एक फुल साइज लैपटॉप है जो पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। यह 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह था इंटेल कोर i3 11 जनरेशन 4.1 GHz प्रोसेसर के साथ, जिसमें 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, और उसी के साथ इसमें इंटेल के 11 जनरेशन के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। यह था 4GB DDR4 RAM के साथ, उसे आप 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और साथ ही इसमें 256GB की SSD मिलती है, उसे भी आप 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट कीबोर्ड, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम मिल जाता है। इसमें भी विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.1 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें भी 2-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह आता है 31,000 के प्राइस के साथ, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 30,000 के अंदर मिल जाता है। लेकिन इस प्राइस में इसमें आपको इंटेल i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, जो काफी हद तक लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। इसमें आपके थोड़े बहुत हेवी टास्क भी आसानी से हो जाते हैं। 30,000 के प्राइस में एक बेस्ट लैपटॉप है, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 की तरफ, HP 15S। दोस्तों ये एक पावरफुल लैपटॉप है। इसमें आपको एक बेस्ट प्रोसेसर मिलता है। इसमें आप हेवी टास्क भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे बेसिक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, फोटो एडिटिंग और GTA 5 जैसे गेम्स भी इसमें लो सेटिंग पर बिना किसी फ्रेम ड्रॉप्स के आसानी से चल जाएंगे। इसका वेट लगभग 1.69 kg के आसपास देखने मिलता है। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, इसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह था राइजन 3 5300U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ, जिसमें 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो 2.6 GHz की बेस्ट फ्रीक्वेंसी और 3.8 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं। साथ ही इसमें AMD Vega 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप थोड़े बहुत ग्राफिक इंटेंसिव टास्क भी आसानी से कर सकते हैं। यह था 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM के साथ, और इसमें 512GB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है। इसमें आप 16GB तक RAM अपग्रेड कर सकते हैं। यह था विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2019 के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, एक USB टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट और 3 USB 3.2 पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और HD वेबकैम मिल जाता है, और साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड एलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाता है। यह आता है 3-cell लिथियम आयन बैटरी के साथ। इसमें लगभग 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह आता है 37,000-38,000 के प्राइस के साथ। इसकी प्राइस 1-2,000 फ्लक्चुएट होती रहती है। दोस्तों अंडर 40,000 में आपको एक 4 कोर और 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर मिलता है,
और साथ ही सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। इसका एक 14 इंचेस का वेरिएंट भी आता है, उसमें भी आपको सेम प्रोसेसर और सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए तब आप उसके साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं अंडर 50,000 रुपीज के बेस्ट लैपटॉप की तरफ, Lenovo IdeaPad 3। दोस्तों अंडर 50,000 रुपीज में एक बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है। इसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, साथ ही बैकलेट कीबोर्ड और सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं, और साथ ही इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाता है। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह था Ryzen 5 5500U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ, जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो 2.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, और साथ ही इसमें Vega 7 की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सभी हाई एंड काम करने के लिए कैपेबल है। यह था 8GB DDR4 RAM के साथ, और इसमें 512GB की NVMe M.2 SSD मिल जाती है। इसमें आप 12GB तक RAM एक्सपेंड कर सकते हैं। यह था विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, एक HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें HD वेबकैम मिलता है और 1.5 वॉट के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। इसमें 3-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 5-6 आवर की बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह था 46,000-47,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 45,000 के अंदर भी मिल जाता है। इसमें आपको बेस्ट प्रोसेसिंग पावर मिलती है, जिसमें आप थोड़े बहुत हेवी टास्क भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और गेमिंग भी कर सकते हैं। अंडर 50,000 रुपीज में एक बेस्ट लैपटॉप है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसका आप अल्टरनेटिव लैपटॉप चाहते हैं तो HP 15S और HP 14S के साथ भी जा सकते हैं। HP 15S में आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और HP 14S में आपको 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहते हैं तो आप HP 14S के साथ भी जा सकते हैं। उसमें आपको बैकलेट कीबोर्ड और इंटीग्रेटेड एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों में आपको सेम प्रोसेसर और सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं 60,000 रुपीज के प्राइस में आने वाले बेस्ट लैपटॉप की तरफ, Asus VivoBook 15 2022 एडिशन। दोस्तों ये एक लेटेस्ट जनरेशन लैपटॉप है, जो पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। ये इंटेल की लेटेस्ट 12 जनरेशन के साथ आता है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी काम करने हैं, जैसे कोडिंग, 4K एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, डिजाइनिंग, जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। साथ ही इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इतने कैपेबल है कि इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह था लेटेस्ट इंटेल 12 जनरेशन कोर i5 1240p प्रोसेसर के साथ, जो 12 कोर्स और 16 थ्रेड के साथ आता है, जिसमें 1.7 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और साथ ही इसमें इंटेल आइरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। यह था 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM के साथ, उसे आप 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसमें 512GB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है, और साथ ही इसमें एक एक्स्ट्रा PCIe स्लॉट भी मिल जाता है। यह था बैकलेट कीबोर्ड और HD वेबकैम के साथ, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें था वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, 2 USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट मिल जाता है। इसमें 65 वॉट आवर्स 3-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें आपको लगभग 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह था 56,000-57,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो ऑफर के साथ आपको 55,000 के अंदर भी मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको इंटेल की लेटेस्ट 12 जनरेशन का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, जो लगभग सभी हेवी टास्क करने में कैपेबल है, और साथ ही इसमें सभी लेटेस्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो अंडर 60,000 रुपीज इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अल्टरनेटिव लैपटॉप की, तो आप HP 15S 12 जनरेशन के साथ भी जा सकते हैं। दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है और सिमिलर परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। साथ ही HP 15S में आपको इंटीग्रेटेड एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है। इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप आप परचेस कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप्स, जो कि थे 25,000 रुपीज से 65,000 रुपीज के प्राइस कैटेगरी के साथ। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।